क्या लगता है सर आपको कौन जीतेगा? ये अब लगने लगाने ऐसा कुछ रह नहीं गया है बाबू खेल में। भाई मैं बोले सब्सक्राइब कर देना तेलुगु में। माधव सर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस अनदर व्लॉग। बहुत दिनों बाद भाई ये लॉन्ग व्लॉग शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली आपने काफ़ी दिनों से सिर्फ नई व्लॉग्स देखे होंगे, बट आज थोड़ा सा स्पेशल ओकेशन है इसलिए सोचा कि लॉन्ग व्लॉग बना लूँ। बहुत दिन से मन भी कर रहा था। एक्चुअली कॉलेज में मैं वापस आ गया हूँ इंटर्नशिप के बाद, जैसा आप लोगों को पता है। एंड कॉलेज में आते साथ ही भाई इवेंट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहला इवेंट जो था एक रीओपनिंग पार्टी थी, कैंपस रीओपनिंग पार्टी, जिसका कि मैंने लॉन्ग व्लॉग नहीं बनाया, बहुत रिग्रेट कर रहा था बाद में। बट अभी जो है अनदर इवेंट, दूसरा इवेंट हो रहा है एक, जो कि है क्रिकेट टूर्नामेंट धर्मशास प्रीमियर लीग। सो उसके काफ़ी सारे लीग मैचेस हुए थे, वो मैंने अगेन उसका ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। बट आज जो है फाइनल मैच है एंड मोस्ट प्रोबेबली भाई रात में जो है एक और पार्टी होने वाली है। सो पहले तो आपको इस व्लॉग में मैं आपको फाइनल मैच दिखाऊंगा क्रिकेट का, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और ये लास्ट टूर्नामेंट है क्योंकि मेरा भी लास्ट सेमेस्टर है। इसके बाद फिर आपको कॉलेज वाले जो व्लॉग्स हैं देखने को शायद नहीं मिले। सो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी ये सुबह का भाई ब्रेकफास्ट रखा है, अभी तक मैंने ये ब्रेकफास्ट ही नहीं किया। तो सबसे पहले तो इसे खाता हूँ, थोड़ा सा फ्रेश व्रेश वगैरह हो लेते हैं, नहा धो लेते हैं एंड फिर उसके बाद शायद हो सकता है लंच वंच करूँ। और फिर उसके बाद 3 बजे से जो है मैच स्टार्ट होगा। सो पहले ये सब कर लेता हूँ, देन उसके बाद फिर नीचे चलते हैं डायरेक्टली हम। भाई यार गलती से मैं नहाने चला गया, नहाने तो क्या, कौआ स्नान करने चला गया और स्टार्टिंग का मैच जो है छूट गया, स्टार्ट हो गया मैच। और जो इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में नेशनल एंथम होता है ना, वो भी हुआ था, वो भी मिस हो गया। बड़ा साउंड सुनाई पड़ रहा था, म्यूज़िक सुनाई पड़ रहा था उसका, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। दिखाता हूँ, वैसे तो मैं काफ़ी मज़ा आने वाला है आज। अगर एस 11 पहले ओवर में ये गेम जीत जाती है तो 500 रुपये का नगद इनाम उनके लिए। क्या लगता है सर आपको कौन जीतेगा? ये अब लगने लगाने ऐसा कुछ रह नहीं गया है बाबू खेल में। मूड खराब करने के लिए यहाँ पे बुलाया गया है, कसम से पकड़ करके कूटे जाने की आवश्यकता है। ओनर प्लेयर्स को, ओनर भाग ही चुके हैं, विकेट भी गिर गया ना सर, 8 विकेट गिर गए हैं, 5 रन इन लोगों से लगा। भाई आप मार्केट में हैं, ये शुरू हुआ, खत्म होने वाला है। ये इस तरह का 5 रनों पर 8 विकेट गिरा दिए, मतलब ये भी एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इन सारे प्लेयर पर आजीवन बैन लगना चाहिए। सही बात है सर, इनके घुटने तोड़ देने चाहिए, इनसे बैन कर देना चाहिए सर इन्हें। इनमें श्रीलंका क्या अपना, भाई तो खत्म होने वाला, मेरे को लग रहा था शुरू हुआ है, थोड़ा सा लेट हुआ हूं मैं। स्कोर है 5 रन पर 8। कितना स्कोर हो गया भाई? 5 रन 8 विकेट। सारे अच्छे चलता हूं भाई मैं तुम्हें नेक्स्ट इनिंग में। भाई पहला फोर लग गया 8 विकेट पे। भाई बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजे आ रहा है। बाकी तुम्हें भी अगर ऐसी लाइव एंजॉय करनी भाई, तो उसके लिए NLU में एडमिशन लेना पड़ेगा और उसके लिए क्लैट एग्जाम देना पड़ता है, जैसा कि तुम्हें पता है। तो अगर पेट की प्रिपरेशन अगर तुम कर रहे हो तो PW कैन बी अ गुड ऑप्शन, उससे भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके ऑनलाइन बैचेस रिसेंटली स्टार्ट हुए थे, काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो गए। पूरे बैचेस की इन्फॉर्मेशन वो तुम देख लो। सो गाइस खत्म हुआ इंतजार, क्योंकि आ गया है PW का विश्वास दिवस, आपके सफर में देने आपका साथ विद क्लैट अचीवर्स प्रो 2025 बैच। इस पर्टिकुलर बैच में आपको बेहतरीन टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा, जिसमें कि कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा विद लाइव क्लासेस, जिनकी रिकॉर्डिंग 24/7 अवेलेबल रहेगी। इसमें आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे विद सॉल्यूशन, मैराथन रिवीजन लेक्चर्स कंडक्ट किए जाएंगे, इन्फिनाइट प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक मिलेगी आपको, इवन 30+ मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको। इसके अलावा 40 सेक्शनल टेस्ट भी होंगे, जिनका एनालिसिस भी प्रोवाइड किया जाएगा। एंड साथ ही साथ आपको करंट अफेयर की मंथली मैगजीन्स दी जाएंगी। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 1-to-1 आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे, जिसमें कि आपके छोटे से छोटे डाउट भी है ना, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। इस पर्टिकुलर क्लैट अचीवर्स प्रो बैच को अगर आप परचेज करते हैं तो अपकमिंग क्लैट से रिलेटेड जितने भी बैचेज होंगे उन सब में आपको एक्सेस मिलेगा। सो ऑटोमेटिकली जो 9 OLIT एग्जाम्स होते हैं, अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट, उनकी प्रिपरेशन भी आपकी हो जाएगी। सो अगर आप इस विश्वास दिवस के ऑफर में ये बैच परचेज करते हैं, जिसकी कॉस्ट 25,999 है, सो आपको ये सिर्फ 10,999 में ही मिल जाएगा। इसके प्राइस जो है रिड्यूस कर दी गई है अभी। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, अगर आपको परचेस करना है तो आप क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मेरा कूपन कोड MAD500 यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल 500 रुपीज़ का और डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी ऑल द बेस्ट। अच्छे मैचेस हुए हैं, पहले कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए प्रेमेन भाई, क्या चल रहा है? दर्शकों के साथ थोड़ा सा स्कैम हुआ, मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया भाई। मेरे को लग रहा था आज अच्छा मैच होगा। पहली गेंद अच्छा खेला, सिग्नल ही मिलेगा,
यहाँ पे फर्स्ट ईयर के दो बल्लेबाज श्रियांकर और अभिनव, इन्हीं से मैवरिक्स को उम्मीद। देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या हुआ अपनी टीम को किसी सम्मानजनक टोटल तक पहुंचा सकेंगे, जहाँ से थोड़ी फाइट दे सके मैवरिक एस को। भाई एक इनिंग निकल गई है, टारगेट है आई थिंक 24 रन पे 9 विकेट खत्म। भाई टारगेट कितना है? 24 है ना। भाई मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, इनिंग ब्रेक हुआ था उसमें आपको से टीम प्लानिंग कर रही थी, पता नहीं क्या प्लानिंग। भाई जरूरत कहाँ 26 रन। सर लोग बोल रहे हैं आपके आने से ये स्ट्रोक हम गया। मुझे क्या था, जल्दी जाना था, मेरी मीटिंग थी, टीम ने बहुत सपोर्ट दिया है सर को जल्दी फ्री करने के लिए, बहुत कम स्कोर बनाया है लोगों ने और 5-5 ओवर में हार के जीत के निकल जाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद TPL के ऑर्गेनाइजर को जो मेरे समय की कीमत को समझते हुए इन लोगों ने मैच जल्दी खत्म कर दिया। भाई बेसिकली सर को जाना था किसी मीटिंग में तो इसलिए जल्दी मैच खत्म करना पड़ा है। क्या उम्मीद है अपोजिट टीम से? मैं तो चाहता हूँ कि मैच थोड़ा रोमांचक बने, कम से कम 4-5 ओवर तक तो खींचे तो मज़ा आए, नहीं तो इस टारगेट को चेस करना कोई भारी मुश्किल काम नहीं है। सही बात है सर, मजाक ही हो गया अब तो फाइनल का। तो जितना इंतज़ार था DPL फाइनल का उसका रोमांच कम कर दिया लोगों ने। भाई कितना स्कोर हो गया? 12। आधा तो हो गया, आधा हो गया। और यहाँ पर बड़ा खेला है, यहाँ पर 4 रन खत्म है भाई मैच। पूरे 12 ओवर खेलो भाई, करके एक मैच के भाई सिर्फ एक रन चाहिए बस। वो आता था बहुत सही, क्या मजाक था गाइस। फ्री हो गए सर आप जल्दी। भाई मैं सोच रहा था मस्त मस्त शॉट्स लूंगा यहाँ से वहाँ से, पता ही नहीं चला मैच का। भाई इतना घटिया तरीके से जीते हैं ना कि जीतने वाली टीम को खुशी मनाने का भी मन नहीं कर रहा मेरे को लग रहा है। भाई ने टारगेट बना लिया। ये विनर छत्तीस रन का टारगेट देने की भाई को, ये विनर बहुत बढ़िया पढ़ रहा है। चलो दो ओवर में मैच खत्म किया इन लोग ने भी। भाई 500-500 फिर मिल गए दो ओवर में मैच खत्म करने के लिए, वाह यार। कमेंट्री बंटिंग भाई तेलुगु में कमेंट्री चल रही है। తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాను నేను అండ్ ఇప్పుడే డిపిఎల్ యొక్క ఫైనల్ ముగించడం జరిగింది. అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కర్దేనా తెలుగు మే మాధవ్ సార్ మ్యాట్ బారీ సార్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అభి తమిళ్ ఇప్పుడు తమిళ్లో మ్యాట్ బారీ సార్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ పన్నంగా అసలీ అసలీ తెలుగు ఏంటి భాయ్ మజాక్ కర్ రహా హై ఆప్ పత్తర్ కా బోల్ రహా ఏ శ్రవణ్ కేమ్ చీజ్ బోల్ రహా भाई यार आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि इतना घटिया मैच आपको देखना पड़ा। बाकी यार एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे तो लग रहा था आज फाइनल काफ़ी मज़े आएंगे क्योंकि सेमीफाइनल वाले मैच जो है ना काफ़ी अच्छे हुए थे। ठीक है अब जैसा भी है, बाकी मैच खत्म हो गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मज़ा तो तुम्हें लेकिन भरपूर आया होगा इसमें, मैच भले ही कैसे ही था मज़े तो हमें प्रॉपर आए होंगे। बाकी रात में जो है पार्टी में भी हो सकती है पता नहीं, क्योंकि यार जो हारी हुई टीम है बहुत ज़्यादा मायूस हो गए यार, इतना मतलब गेम खत्म ही हो गया था भाई, बहुत ही कचरा मैच था। सो पार्टी होती है तो वो दिखाऊंगा, अदरवाइज फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करना पड़ेगा। बाकी रात में मिलते हैं आपसे।